मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सोशल सोशल साइंस टीचर मोनू कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। सो इन लास्ट प्रेजेंटेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिविक्स। दिस इज आवर चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, we have already discussed the first five points and in the last presentation we discussed what is the constitution of India. Okay, today we will end this topic and the final topics are the 7th and 8th. We will continue these topics in this presentation. Okay, so what is the constitution of India? So usme 8 point ye hai, fundamental duties. Okay, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज वो होती हैं कि जो इंसान इंडिया के अंदर रहेगा और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उनके साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं जो हर इंसान को एक जैसी और एक दूसरे के बराबर बराबर उन ड्यूटीज को फॉलो करना है और उन ड्यूटीज को निभाना है। ओके, तो वो होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो सबके लिए होती हैं, चाहे वो कोई भी रिच पर्सन हो, चाहे पुअर पर्सन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन पावरफुल पर्सन हो, चाहे वो कोई वीक पर्सन हो, सबके लिए वो ड्यूटीज एक जैसी होंगी। और ये यहाँ पर नीचे उन ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। देखिए, ए बी सी डी पॉइंट करके, टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाएगी सबको, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉविजिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के सम्मान और इंडिया की रक्षा करने की ड्यूटी उनकी होती है। के बाद यहाँ पे थर्ड में दे रखा है, टू चेराइज एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिया। ठीक है, जो हमारा इंडिया का नेशनल स्ट्रगल जो रहा था, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने बलिदान दिए थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, उनका सम्मान करना, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। जब भी आपको नेशनल सर्विसेज के लिए या कंट्री के डिफेंस के लिए अगर बुलाया जाए तो आपको वहाँ पर जाना होगा। To promote harmony and the spirit of common brotherhood, भाईचारे की भावना रखना हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी कलर, कास्ट या कस्टम से हो। To value and preserve the rich heritage of our composite culture, हमारे जो हेरिटेज है, जैसे कोई फॉरेस्ट है, कोई फोर्ड है, जैसे किले होते हैं, कोई पुरानी चीज़ें हैं, तो उनको एक तरह से प्रिजर्व रखना, उनकी वैल्यू की उनकी वैल्यू करना, उनका सम्मान करना। To protect and improve the national environment को protect करना और उसे improve करना। To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। और यहाँ पर जो जितने भी scientific चीज़ें हैं और technological चीज़ों के advancement करने में देश की मदद करना और उनको protect करना। To safeguard public property and to observe violence, वायलेंस ना क्रिएट करना और उसे होने से रोकना, और पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेफ गार्ड करना, मतलब कि उन्हें प्रोटेक्ट करना। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, सो दैट द नेशनल नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। किसी भी इंसान के सिंगल इंडिविजुअल एक्टिविटी और कलेक्टिव एक्टिविटी को प्रमोट करना, जो भी इंसान अकेला भी अगर देश के लिए कुछ कर रहा है तो उसे भी प्रमोट करें और उसका सम्मान करें, और कलेक्टिव वे में भी हो रहा है तो उनका भी सम्मान करें और उन्हें बढ़ावा दें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट फोर्थ आर्टिकल 336 से लेकर 51 तक, टू प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिकल बेस ऑफ अ जेन्युइन डेमोक्रेसी, द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस आर एज फॉलोज। तो डेमोक्रेसी को एक तरह का बेस प्रोवाइड करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चार होती हैं जो यहाँ पर दे रखी हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो कि उसमें होने चाहिए, लिबरल प्रिंसिपल जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होने चाहिए, गांधीयन प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, और इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पहला देखिए, आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल एंडेवर टू फॉर्मुलेट अ सोशल सिस्टम विच विल सिक्योर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ लाइफ। तो हर फॉर्म की लाइफ जो भी इंडिया में है या हमारे देश में है,
उनको इकोनॉमिकली सोशली और पॉलिटिकल वे में जस्टिस प्रोवाइड करना, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सेकंड, आर्टिकल 39A, द स्टेट शैल ट्राई टू फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी इन सच अ मैनर सो एज टू इंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट का काम ये होगा कि वो इस तरह की पॉलिसीज को ही फॉर्मुलेट करे जिससे देश में रह रहे हर इंसान का डेवलपमेंट हो सके और वो ग्रो कर सके। ऐसा नहीं सिर्फ रिच पीपल्स के लिए ही पॉलिसी बनाई जाए या पुअर पीपल्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए। आर्टिकल 39B, द ओनरशिप ऑफ मटीरियल रिसोर्स वुड बी कंट्रोल इन सच अ मैनर सो एज टू सब सर्व द कॉमन गुड। तो जो अभी मटेरियल रिसोर्सेज हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, वो रिसोर्सेज जो सबके काम आते हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, फोर्थ वन, आर्टिकल 39C, द इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन सच अ मैनर सो दैट वेल्थ मे नॉट येट बी सेंट्रलाइज और कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मे नॉट बी यूज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे इकोनॉमिकल एक स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया कि जो पावर होगी या सेंट्रलाइज पावर जो होगी या फिर जो पैसा या मनी का कंट्रोल होगा वो किसी एक चीज़ या एक इंसान के हाथ में नहीं होगा या फिर किसी एक स्टेट के हाथ में नहीं होगा, वो काफ़ी सारे लोगों के हाथ में होगा। ऑल ओवर इंडिया का अलग अलग स्टेट्स के हाथों में होता है उनका सेंट्रलाइज पावर अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, इंडिया के किसी अकेले पर्सन के हाथ में नहीं होता। और ऐसे रिसोर्सेज को पब्लिक के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सके, इसलिए इस पावर को डिवाइड किया जाता है। आगे देखिए, फिफ्थ है आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट विल वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक अवेलेबिलिटीज एंड प्रोग्रेस प्रोवाइड टू द सिटीजन द राइट टू वर्क द राइट टू एजुकेशन द जनरल असिस्टेंस इन इवेंट एंड इवेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज डिजीज एंड अदर डायबिटीज सॉरी सॉरी डिसेबिलिटीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर स्टेट को उस हिसाब से वर्क करना होगा ताकि वहाँ पर वो अपने सिटीजन्स को अलग अलग तरह की चीज़ें सेम वे में प्रोवाइड कर सकें जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबको दी जाएंगी। जैसे सिटीजनशिप राइट टू वर्क का जो राइट होता है वो उनको दे, राइट टू एजुकेशन दिया जाए जो हर स्टेट को प्रोवाइड करना होगा, जनरल असिस्टेंस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जॉब्स प्रोवाइड करना, ओल्ड एज के लिए हेल्प सेंटर ऐसी चीज़ें बनाना, डिजीज से लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स क्रिएट करना और डिसेबिलिटीज जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना। आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट विल मेक प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इट विल ऑल्सो इंश्योर मैटरनिटी रिलीफ। तो वहाँ पर लोगों के काम करने के लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट करना ताकि ह्यूमन उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सके, ऐसा नहीं कि उनसे 2400 घंटे काम करवाया जाए, उन्हें सैलरी उतनी कम दी जाए जितना वो काम करते हैं। तो उस कंडीशन को उसी हिसाब से क्रिएट करके रखना जितना वो काम करें उसी हिसाब से उनको रिलीफ भी मिले। जैसे मैटरनिटी लीव क्या होता है, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कुछ टाइम की लीव दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ओके, ताकि वो अपने बेबी को बर्थ दे सके और कुछ महीनों बाद भी वो उसको थोड़े महीनों तक संभाल सके। आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट विल इंश्योर एडिक्वेट वेज गुड लाइफ एंड रेस्ट टू द लेबर्स, द स्टेट विल ऑल्सो एंडेवर टू मेक अवेलेबल टू द लेबर्स वेरियस सोशो कल्चर फैसिलिटीज। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर स्टेट को एडिक्वेट वेज मतलब कि हर पर्सन को बराबर वेज मिलना चाहिए। वेज क्या होता है, जो उनकी पेमेंट होती है, जो वेज वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, गुड लाइफ और अच्छी कंडीशन होनी चाहिए उनकी। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में काम कर रहे हैं या फिर उनको ठीक से पैसा नहीं मिल रहा जितना वो काम करते हैं। रेस्ट ऑफ द लेबर, उनके रेस्ट करने का भी टाइम होना चाहिए, उनको फूड भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको तो अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए और एक अच्छा एक तरह से हेल्पफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए उनके लिए ताकि वो वहाँ पर अच्छी कंडीशन में वर्क कर सकें, उनकी कंडीशन और उनकी हेल्थ खराब नहीं हो वहाँ पर। सेकेंड आता है लिबरल प्रिंसिपल, या फिर लिबरल प्रिंसिपल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल्स लिविंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक सिविल कोड होना चाहिए, सिविल कोड मतलब हर स्टेट के अंदर एक तो हाई कोर्ट होगा और हर सिटी के अंदर एक तरह से आपका
जो सिटी कोर्ट होता है या फिर उसको आपका सबसे छोटा कोर्ट जिसको कहते हैं, जिसको पहले लेवल का कोर्ट माना जाता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वो होगा। और वो हर इंसान के लिए वो ओपन रहेगा, सबके लिए वहाँ पर एक तरीके से कंप्लेंट फाइल करने के लिए, फिर अपना केस फाइल करने के लिए वो खुला रहेगा, किसी भी ऐसे इंसान के लिए नहीं जो एक सिर्फ रिच है या फिर जो पावरफुल पीपल है उनके लिए नहीं, सबके लिए होगा। सेकेंड आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 क्या कहता है कि हर स्टेट को उनके स्टेट में रह रहे बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना और अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, मतलब कि बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद उनको केयर मिलनी चाहिए उनके पेरेंट्स की तरफ से या फिर केयर सेंटर्स में, और उनको 6 साल की उम्र तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोज इट विल एंडेवर टू इम्प्रूव अपॉन द लाइफ ऑफ द पीपल और हेल्थ ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उस स्टेट के अंदर, हर इंसान की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उसको बढ़ाना, मेंटेन रखना, ताकि लोग एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें। वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस स्टेट के अंदर भुखमरी हो, लोगों के पास खाना नहीं है या फिर पानी नहीं आता, ऐसा। 48 आर्टिकल क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, इट विल ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन एंड इम्प्रूव अपॉन द ब्रीड ऑफ द एनिमल। वहाँ पे स्टेट्स को एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री जो एक्टिविटीज है उनको मॉडर्नाइज एंड साइंटिफिक लाइन के साथ यूज करना शुरू करना चाहिए, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की एग्रीकल्चर कर सके और प्लांट्स उगा सके, ताकि उस स्टेट का डेवलपमेंट हो सके, और वहाँ पर एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाए, ताकि वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर भी करें, एनिमल्स की ब्रीडिंग भी करें, ताकि वो उससे उनको जॉब भी मिलेगा, स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा, और वहाँ पर खाने की या खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट आर्टिकल 50 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द स्टेट विल ट्राई टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ पब्लिक सर्विस। जब पब्लिक सर्विस यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेकर या फिर किसी गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर कोई जुडिशियल सिस्टम होगा या जुडिशियल वैल्यू पे कोई केस आएगा, तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उसको वहाँ से हटाकर सीधा जुडिशियरी जो होगी, जो कोर्ट होगा, जो हाई कोर्ट होगा, वो डिसीजन सीधा वहाँ पर लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट्स आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल थे, उनको भी इस आर्टिकल में ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, स्टेट विल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज पंचायत इन विलेज एंड विल एंडो देम विद सच पावर विच इनेबल देम टू एक्ट एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हर गांव के अंदर पंचायत होनी चाहिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ लोग होंगे, किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होगी और वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह होंगे, ताकि वो अपने विलेज का डेवलपमेंट कर सके। आर्टिकल 43 क्या कहता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू डेवलप द कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड कॉपरेटिव बेसिस। हर स्टेट के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे अचार पापड़ बेचने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको रूरल एरियाज में डेवलप करना, वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर डेवलप हो या कॉपरेटिव बेसिस पर डेवलप हो, उनको डेवलप करने में गवर्नमेंट मदद करेगी। आर्टिकल 47 क्या कहता है, स्टेट विल स्ट्राइव टू बैन द कंजम्पशन ऑफ वाइन अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑल सच कमोडिटीज विच आर कंसिडर इंजीरियस टू हेल्थ। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को बैन करेगी जो कि इंसान की हेल्थ के लिए सही नहीं होती और इंजीरियस टू हेल्थ होती है और इंटॉक्सिकेटेड होती हैं, इससे इंसान नशे में रहेगा, ऐसी चीज़ों को बैन रखा जाएगा। आर्टिकल 48 रिवील्स दैट द स्टेट विल बैन स्लटरिंग ऑफ काउज प्लेस एंड अदर मिल्क कैटल। स्लटरिंग क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स को मारना जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्किन के लिए, उनकी खाल के लिए, ये भी बैन किया जाएगा। लास्ट पॉइंट्स आते हैं 4 इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में माने जाते हैं। द स्टेट विल स्ट्राइव टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखेंगे, दूसरे देश की सिक्योरिटी की भी ध्यान रखना, उनकी भी रक्षा करने में मदद करना,
और एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। आर्टिकल 51, द स्टेट विल स्ट्राइव टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन अलोंग वेरियस स्टेट्स इन दी वर्ल्ड। जो दूसरे स्टेट्स हैं उन वर्ल्ड्स में, वर्ल्ड के अंदर उन बाकी स्टेट के साथ में एक सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखना, इसका मतलब ये है। आर्टिकल 51, द स्टेट विल एंडेवर टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट एंड लॉ। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बने हैं, एग्रीमेंट्स बने हैं, ट्रीटीज हुई हैं, कोई तरह की मीटिंग बिठाने के बाद डिसीजंस लिए गए हैं, तो उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट देना और उनको फॉलो करना। द स्टेट विल स्ट्राइव टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? डिस्कशन या फिर बैठ के मीटिंग करना। अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं, वहां पर जाकर उनके डिसीजन लिए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट, इसका थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट बट इंटरलेटेड ब्रांच, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर हैव टू फंक्शन विद इन देयर ओन स्पीयर्स, वो अपने खुद के स्पीयर्स में ही वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर। तो इसका ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इन तीन हिस्सों से मिलकर बनी है इंडिया की, और इन तीन हिस्सों में अलग अलग पावर डिवाइड की गई है। लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है, इस डायग्राम में देखेंगे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस द टू हाउसेज, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट। जुडिशरी के अंदर क्या आता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर एसोसिएट जस्टिस। और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसी। ओके, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द केयर अ केयरफुल स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल शो दैट देयर आर एट लीस्ट 8 बेसिक प्रिंसिपल विच आर एम्बोडेड इन इट एंड विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन इन पर डिपेंड करती है, ये जो 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉपुलर सर्वेगिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फेडरलिज्म एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। ये सब मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किए, ये वही पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्दर मोर ऑन दिस चैप्टर ऑन लाइव क्लास। टिल देन, गुड डे।